हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम डीपली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर है 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का है। तो एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम? एटम कोई भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम एटम कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास एटम होता है। एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल से छोटा होता है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। चैप्टर में हमें एटम्स पढ़ना है और मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम एटम कहते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन की अगर हम जनरली बात करें, जैसे हम कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक CO2। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन यहाँ पर क्या है, एक एटम है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं एटम है, बट इसको हम यहाँ पर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। और दिस इज मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्यों है? तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम जनरली इसमें एटम काउंट करें तो 3 एटम यहाँ पर हमारे पास रहेंगे। 3 एटम्स मिलकर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाएंगे 3 एटम मिलकर, तो ये हमारे पास एटम होता है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। तो ये चैप्टर हमारा एटम और मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। जैसे जनरली आपको पता लगा कि ये कार्बन 1 एटम एंड 2 एटम, दिस इज 3 एटम, तो दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल और एलिमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और ये कार्बन जो कि सिंगल है इसको हम बोलेंगे एटम है, और मॉलिक्यूल इनका कॉम्बिनेशन। और बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूल के, H2 हो गया, NH3 हो गया, CO2 हम लिख चुके हैं, CH4 हम लिख चुके हैं, एट्सेट्रा। ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। इस चैप्टर में अब हम कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पहला लॉ हमारा रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो जनरली हम डिस्कस करते हैं मास के ऊपर। मास हम नॉर्मली केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मास और वेट एक ही चीज़ होती है। इन केस ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स में डिफरेंट होता है इनके अंदर, कि मास जो होता है चेंज नहीं होता है और वेट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट या एटम के मास के बारे में बात करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, बहुत स्मॉल होता है इनका मास। इसलिए तो मास कंजर्वेशन कैसे, कंजर्व का मतलब जो चीज़ें चेंज ना हो, हम ये समझ के चलेंगे यहाँ पर, जो फिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब इनमें रिएक्शन होती है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट बनाती है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। आप कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होगा उसका मास ऑलवेज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट्स के। ये आपको ध्यान रखना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपली जो हमने पहले लिया था, अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस लेफ्ट साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमें ध्यान देना है, जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड जो होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो एरो है ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है, ये हमें दिखाता है
कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हमारी रिएक्शन प्रोसीड की है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट एक प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उस प्रोसेस का नाम केमिकल रिएक्शन होता है। और रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारा जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। तो मास यहाँ पर कंजर्व कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे कार्बन जो है इसका मास जो होता है 12 ग्राम या यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का हो जाएगा यहाँ पर 32 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस करेंगे हम दोनों का तो 44 ग्राम यहाँ पर रिएक्टेंट का मास हमारे पास रहता है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट पे आते हैं तो प्रोडक्ट कार्बन 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 32 हो जाएगा 44 ग्राम। यहाँ पर देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ था वो एंटोनी लोइशियर ने दिया था, जो कि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर उनको कहा जाता है। तो उन्होंने बताया था जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो ऑलवेज मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब मास चेंज नहीं होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। मास में कोई बदलाव नहीं होगा। मास अगर यहाँ पर आपको कम दिखे तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको कहेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हम कहेंगे। और इसका एक और नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये क्या है, इसमें हमें देखना है कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है। जब भी हम कोई चीज़ प्योर लेंगे, ये हम हमारे इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसका जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज डेफिनेट रहेगा। हम पढ़ेंगे इन अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी अगर हम प्योर सब्सटेंस लेंगे तो जो उनकी कंपोजिशन होगी वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगी। इन ए प्योर सब्सटेंस डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का H2O, अब यहाँ पर हम डेफिनेट कैसे कहेंगे, H2O में हम इनका रेशियो करके देखते हैं, H और O का अलग अलग हम रेशियो करेंगे। तो H का जो मास होता है वो 1 होता है रेशियो, ऑक्सीजन 1 है तो 16, 2 इंटू 6 रेशियो में रहेगा 16, कट करेंगे 1:8। जो वाटर रहेगा इसका जो मास रहेगा ऑलवेज वो डेफिनेट रहेगा। ये हमेशा हमें जो मिक्स मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, 1:8 में मिलेगा हमें वाटर हमेशा के लिए, ये हमें याद रखना है। सिमिलरली और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मीथेन गैस की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का मास 12 ग्राम 12 यूनिट हम लेंगे और यहाँ पर रेशियो करेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 1 ग्राम ईच हाइड्रोजन कंटेन, इट मीन्स 12:4, 3:1। तो CH4 मीथेन का रेशियो ऑलवेज 3:1 रहेगा। कार्बन इसमें 3 टाइम होगा, हाइड्रोजन 1 टाइम होगा, ऑलवेज इसी रेशियो में रहेगा। सिमिलरली अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 में अगर हम कार्बन देखते तो 12 ग्राम 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर 12:32, फिर 4 पे कट करेंगे इसको, ये 3:8। आप इसका कितना भी अमाउंट लीजिए, इसमें कार्बन ऑलवेज 3 एंड ऑक्सीजन ऑलवेज 8 में यहाँ पर मिलेगा, ये 3:1 में मिलेगा, ये 1:8 में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन हम बोलेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो 1:8 है ये वाटर है, हमेशा हाइड्रोजन 1 मिलेगा आपको 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर 8 पार्ट मिलेगा। टोटल इनका सम करेंगे तो 9 पार्ट होंगे। आप इनको ज़रूरी नहीं है कि 1 मोल लें, मोल कंसेप्ट इसके बाद आएगा तो उसको हम समझेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या है। अगर आप इसका डबल करते हैं, जैसे मान लीजिए 2H2O लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं आपको। अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा है दिखने में, जनरली हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, फिर बता रहे हैं ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। फिर अगर आप इसका रेशियो करते हैं तो ये रहेगा इसी रेशियो में। तो वाटर जब भी हम लेंगे तो ये एक
प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, कोई और मिक्सचर नहीं है इसके पास, तो इसका रेशियो ऑलवेज रहेगा 1:8 में। इसी में इसका जो नेक्स्ट है थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट की जगह मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वहाँ पे डेफिनेट था, यहाँ पर वर्ड चेंज हो गया, मल्टीपल आ गया। मल्टीपल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट फिक्स होगा, दूसरा एलिमेंट वेरी करेगा उसका रेशियो, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट नहीं रहेगी हमारी, नॉन डेफिनेट या इनडेफिनेट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है N2O नाइट्रस ऑक्साइड हम जिसको बोलते हैं, लाफिंग गैस भी इसको हम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5, ऐसे हमारे पास कुछ कंपोजिशन होगी। तो इनका रेशियो अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर 14 ग्राम है, यहाँ पर 28 है ना, 1 के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 14, फिर 1 के लिए 14, 2 के लिए 28। इसके बाद हम इसका रेशियो बनाएंगे, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर हमारे पास 16, फिर ऑक्सीजन 1 है तो 16, ऑक्सीजन 2 है 32, ऑक्सीजन 5 है 80। फिर अब हम इसका रेशियो करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कट करते हैं 4 की टेबल पे, 4 7 जा 4 4 जा, 2 पे कट करेंगे 7 8, 2 पे कट करेंगे 7 16, इसको 4 पे ही कट कर सकते हैं हम लोग, तो 7 20। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का रेशियो सेम रह रहा है, यहाँ पर हर बार नाइट्रोजन के रेशियो में कोई बदलाव नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो ये इसके लिए मल्टीपल यूज़ किया गया, ऑक्सीजन यहाँ पर वेरी कर रहा है क्योंकि फार्मूला चेंज हो रहा है, लास्ट टाइम फार्मूला सेम रहता था, यहाँ पे फार्मूला चेंज हो रहा है, तो हमारा कंपाउंड चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल चेंज होगा तो उसका जो रेशियो डेफिनेट नहीं रहेगा, सेम मॉलिक्यूल का रहेगा। जैसे वाटर था, वाटर जब तक वाटर रहता रहेगा, कितनी भी अमाउंट में वाटर हम ले 1:8 रहेगा, मीथेन CO2 कोई भी, अगर हम ये सिंगल भी उठाएंगे तो इसका भी रेशियो हमेशा यही रहेगा। तो ये सिंगल तो डेफिनेट में है, लेकिन हम अगर कंपाउंड बदल देते हैं, मॉलिक्यूल बदल देते हैं, तो रेशियो डेफिनेट नहीं रहता है। तो ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम बात करेंगे साइंटिस्ट डाल्टन की। जॉन डाल्टन बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने पूरी दुनिया को एटम के बारे में बताया। इससे पहले किसी को नहीं पता था व्हाट इज़ एटम, हम कहें तो नामकरण, यानी कि जो नाम दिया था एटम को इन्हीं ने दिया था, और वही नाम अब पूरी दुनिया पढ़ती जा रही है कि एटम। तो इन्होंने एटम की डिस्कवरी तो नहीं की, लेकिन एटम के बारे में बताया ज़रूर था हम लोगों को कि एटम क्या होता है, कैसा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें डिफ़ाइन करके दी, प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन ने बताया था कोई भी एलिमेंट है हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से। एनी एलिमेंट्स इन कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनको हम एटम कहते हैं। इनके हिसाब से एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, सब एटॉमिक पार्टिकल इन्होंने नहीं बताए थे, हम इसको फेलियर भी मान सकते हैं, आगे जाएंगे तो ये फेलियर में काउंट हो जाएगा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया एटम कैन नॉट क्रिएटेड डिस्ट्रॉय और ट्रांसफर इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, एटम को हम ना तो बना सकते हैं, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और एटम में। हाँ, कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, वो अलग बात है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा था सेम एटम हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटम्स हैव नॉट। अगर हम आज के टाइम में पढ़े तो लिमिटेशन है ये इसकी, उस टाइम इन्होंने बताया था अगर आप एक एटम बार बार उठाते तो उनका एटॉमिक मास सेम रहेगा, और डिफरेंट एटम अगर आप उठाते तो डिफरेंट मास रहेगा। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टी थी जो आज के टाइम में अगर हम बात करें ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि आइसोबार और आइसोटोप्स इनके बाद आए, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो इसकी लिमिटेशन में आता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट नंबर सेम होता है, एटम सेम होता है, और इन्होंने यहाँ पर बोला था
सेम एटम सेम एटॉमिक मास, जो कि वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है कुछ एटम पर ये बात, और डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट मास, ये बात इन्होंने कही। लेकिन ये भी अभी हम बात करें तो जब आइसोबार्स पढ़ेंगे तो डिफरेंट एटम का मास भी सेम हो सकता है। ये जॉन डाल्टन थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि एटम क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एटम बना होता है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, व्हाट इज एटम, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनके हिसाब से स्मॉलेस्ट इन्होंने बोला, जबकि स्मॉलेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन, एक छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जब एटम और एटम कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर बना लेते हैं मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हम जिसको कहेंगे। तो ये जॉन डाल्टन की थ्योरी थी जिन्होंने कुछ बातें हमें बताई एटम्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे